हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर वन यूनिट थर्ड के चैप्टर थ्री साइकॉन के अंतर्गत हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्टोलॉजी का आशय जंतु के शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। साइकॉन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक का आशय है कि इन जंतुओं की शारीरिक संरचना में कोशिकाओं की दो परत होती है। पहली परत जो शरीर के बाहर की ओर होती है वह एक्टोडर्म कहलाती है तथा दूसरी जो शरीर के भीतर की सतह की ओर होती है यह एंडोडर्म कहलाती है। इसके अलावा एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के बीच में एक सेपरेटिंग लेयर होती है और यह जो सेपरेटिंग पार्ट है यह जिलेटिनस होता है। यह जिलेटिनस पार्ट एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच में स्थित होता है। साइकॉन डिप्लोब्लास्टिक हैं, इसके अंतर्गत एक्टोडर्म में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो एक्टोडर्मल सेल्स कहलाती हैं और अपने लोकेशन के आधार पर ये आउटर या इनर लेयर भी कहलाती हैं। इसी तरीके से एंडोडर्म में जो लेयर पाई जाती है यह इनर सेलुलर लेयर या गैस्ट्रल लेयर कहलाती है। आइए हम देखें एक्टोडर्म की क्या विशेषताएं होती हैं और उनमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका जो एक्टोडर्म में पाई जाती है वो है पिनेकोसाइट सेल और दूसरी पोरोसाइट सेल। केवल दो ही प्रकार की कोशिकाएं एक्टोडर्म में पाई जाती हैं। एक्टोडर्म वास्तविक रूप से यह आउटर सेलुलर लेयर है जिसे डर्मल लेयर भी कहा जाता है। क्योंकि एक्टोडर्म को निर्मित करने वाली कोशिकाओं की परत पिनेकोसाइट कहलाती हैं, इसलिए एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक्टोडर्म की कोशिकाओं के बारे में हुआ। ध्यान रहें हम कोशिकाओं के लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जो शरीर के भीतर की सतह पर लेयर कोशिकाओं की होती है उसे एंडोडर्म कहा जाता है। एंडोडर्म में केवल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका को कोइनोसाइट सेल कहा जाता है। एंडोडर्म ये इनर सेलुलर लेयर होती है, इसे गैस्ट्रल लेयर भी कहा जाता है। क्योंकि एंडोडर्म का निर्माण कोइनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है इसलिए इस एंडोडर्म को कोइनोडर्म भी कहा जाता है। तो यहां पर भी जो कोइनोसाइट कोशिकाएं होंगी वो लेयर के रूप में होंगी, स्तर के रूप में होंगी। यही विशेषता है जो साइकॉन को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का दर्जा देता है। जैसा कि हमने कहा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मिडिल पार्ट भी होती है। बच्चों ये ध्यान रखें कि ये जो मिडिल पार्ट है ये लेयर नहीं है, इनमें कोशिकाएं होती हैं लेकिन ये कोशिकाएं कभी भी श्रृंखलाबद्ध नहीं होती हैं और कभी परत या लेयर नहीं बनाती हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट या मिडिल पार्ट है यह पार्ट ए सेलुलर होता है,
ए सेलुलर का आशय कोशिकाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं कभी भी परस्पर मिलकर के लेयर नहीं बनाती हैं। आइए मीजेनकाइम की विशेषताओं के बारे में हम देखें। तो मीजेनकाइम एक सेपरेटिंग जिलेटिनस पार्ट है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में उपस्थित होता है। इनमें जो सेल्स होती हैं, ये सेल मुख्य रूप से एमीबॉयड प्रवृत्ति की होती हैं, इसलिए इन्हें एमीबॉयड सेल्स कहा जाता है। तो मीजेनकाइम में कोशिकाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन वो सारी की सारी कोशिकाएं बुनियादी रूप से अमीबॉयड प्रकार की ही होती हैं। मीजेनकाइम में सर्वाधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें 7 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के नाम क्रमशः क्रोमोसाइट, कोलेनोसाइट, थीजोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, आर्कियोसाइट, मायोसाइट और ग्लैंड सेल्स हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि एक्टोडर्म में केवल 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एंडोडर्म में एक ही कोशिका है, जबकि मिडिल लेयर में, मिडिल पार्ट में 7 प्रकार की कोशिकाएं हैं। आइए इन कोशिकाओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये साइकॉन के शरीर का एक भाग है। इस भाग में सबसे बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं पर्त के रूप में श्रृंखलाबद्ध तरीके से निरंतरता पर स्थित होती हैं और यही लेयर कहलाती है एक्टोडर्म। तो चूंकि ये सबसे बाहर की ओर है, इसलिए ये लेयर कहलाएगी एक्टोडर्म। वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि भीतर की सतह पर कोशिकाएं की एक श्रृंखला, एक परत मौजूद है और यह जो परत होती है कोशिकाओं की, यह कहलाती है एंडोडर्म। यहां पर हम ध्यान देंगे कि जो एक्टोडर्म होती है वो पिनेकोसाइट जैसी चपटी कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई होती है, इसलिए इस परत को, एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म भी कहा जाता है। वहीं एंडोडर्म कोइनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती हैं, इसलिए इस एंडोडर्म को कोइनोडर्म भी कहा जाता है। इस चित्र में बड़ी स्पष्टता के साथ हम देख रहे हैं कि जो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, ये परस्पर एक दूसरे से सेपरेटिंग पार्ट के द्वारा पृथक हैं और ये जो सेपरेटिंग पार्ट होता है यह जिलेटिनस होता है और जिलेटिनस इसी भाग को मीजेनकाइम कहा जाता है। तो मीजेनकाइम ये मध्य की रचना है और यह जिलेटिनस होती है और इसी मीजेनकाइम में अनेक प्रकार की एमीबॉयड कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं। मीजेनकाइम में आवश्यकता अनुसार ये एमीबॉयड कोशिकाएं भ्रमण कर सकती हैं। साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि इनमें ये स्पिक्यूल्स मौजूद हैं और ये स्पिक्यूल्स निडिल के आकार की, सुई के आकार की होती हैं, जो इनके स्केलेटन निर्माण का कार्य करती हैं। तो वास्तविक रूप से ये जो स्पिक्यूल हैं, ये इनके स्केलेटल पार्ट हैं और इन स्केलेटल पार्ट या स्पिक्यूल का निर्माण भी एमीबॉयड सेल से होता है और ये कोशिकाएं भी मीजेनकाइम पर उपस्थित होती हैं। क्रमिक रूप से हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजेनकाइम में पाए जाने वाली कोशिकाओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले हम देखें सेल्स ऑफ द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म में पाई जाने वाली कोशिकाएं। इसमें 2 ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम क्रमशः पिनेकोसाइट और पोरोसाइट कहते हैं। आइए हम पिनेकोसाइट के बारे में देखें। पिनेकोसाइट कोशिका के संदर्भ में इस चित्र को आप देखें कि ये जो पिनेकोसाइट कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं स्केली होती हैं, फ्लैट होती हैं, लार्ज होती हैं
और लगभग पॉलीगोनल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में कभी भी बाउंड्री नहीं पाई जाती है और इसलिए ये कोशिकाएं निरंतरता पर होती हैं। इनके मध्य में कोई बाउंड्री नहीं होती और इनके साइटोप्लाज्म परस्पर मिले हुए होते हैं, संपर्क में होते हैं। और आप यह भी देख रहे हैं कि इस कोशिका के मध्य में जो बल्जी पार्ट है, फूला हुआ भाग है, उसमें इसका न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं संकुचनशील होती हैं, फैल सकती हैं, इसलिए स्पंज के शरीर के आकार को कम या ज्यादा कर सकती हैं। जब ये कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में स्पंज की बॉडी की जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है, तथा जब ये कोशिकाएं फैलती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो स्पंज के शरीर का आकार अपनी मूल अवस्था पर आ जाता है। तो शरीर को आकार देने में, उसके आकार को कम या ज्यादा करने में ये पिनोकोसाइट कोशिकाएं कार्य करती हैं। आइए क्रमिक रूप से हम इनकी रचना को देखें। पिनोकोसाइट कोशिकाएं ये लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, फ्लेटेंड चपटी होती हैं और लगभग पॉलीगोनल होती हैं। इनका सेंट्रल पार्ट बल्जी होता है, फूला हुआ होता है और इसी भाग में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। प्रत्येक पिनोकोसाइट कोशिका का जो मार्जिन है वो अपने नेबर या साइड के सेल्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और इस तरीके से ये परस्पर मिलकर के लेयर का या स्तर का निर्माण करती हैं। पिनेकोसाइट कोशिकाएं काफी फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं तथा ये बहुत ज्यादा संकुचनशील होती हैं। इसके इस गुण के कारण से स्पंज के बॉडी का साइज वो मेंटेन होता है, या तो साइज इंक्रीज कर सकते हैं या आवश्यकता अनुसार स्पंज के साइज को रिड्यूस या छोटा भी कर सकते हैं। पिनेकोसाइट कोशिकाएं जो सतह पर पाई जाती हैं, साइकॉन के शरीर के सबसे बाहर की सतह पर पाई जाती हैं, ऐसे पिनेकोसाइट कोशिकाओं को हम उस स्तर को पिनेकोडर्म कहते हैं। और ये पिनेकोडर्म चूंकि शरीर के सबसे बाहर की सतह पर हैं, इसलिए इन्हें एक्सोपिनेकोडर्म कहा जाता है। तो शरीर की बाहरी सतह को कवर करने वाली पिनेकोसाइट कोशिकाओं की परत पिनेकोडर्म कहलाती है, तथा यह पिनेकोसाइट कोशिकाओं की जो लेयर है, परत है, वो इनकरेंट केनाल में भी होती है, स्पॉन्जियोसील में भी होती है। चूंकि इनकरेंट केनाल और स्पॉन्जियोसील शरीर की बाहरी सतह से परे मध्य में स्थित होती हैं, भीतर की सतह की ओर होती हैं, इसलिए इस जगह पर उपस्थित पिनेकोसाइट कोशिकाओं की परत को एंडोपिनेकोडर्म कहा जाता है। तो एंडोपिनेकोडर्म ये इनकरेंट केनाल और स्पॉन्जियोसील में पाई जाएगी, जबकि एक्सोपिनेकोसाइट कोशिकाएं ये साइकॉन के शरीर की सतह पर पाई जाएंगी। ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं साइकॉन के पिनेकोसाइट कोशिका की। आइए दूसरी कोशिका के बारे में देखें। यह सेल कहलाती है पोरोसाइट। देखिए, साइट का मतलब होता है कोशिका, सेल, और पोरो का मतलब होता है पोरस या छिद्रित। इस चित्र से हम देख सकते हैं कि ये जो कोशिका है, पोरोसाइट कोशिका है, ये बैरल के आकार की होती है तथा इसके भीतर एक ट्यूब होती है, एक इंट्रासेलुलर ट्यूब होती है। इस ट्यूब का जो सिरा है वो दोनों छोर पर खुला हुआ होता है, तो एक छोर से पानी इसी पोरोसाइट के अंदर प्रवेश करता है और ट्यूब से होते हुए पोरोसाइट के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो कोशिकाएं होती हैं ये केनाल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में होती हैं। आइए इन कोशिकाओं की रचना के बारे में हम और विस्तार से देखें कि ये जो इंट्रासेल्युलर ट्यूब है वह मध्य में होती है, इसी वजह से इनका जो न्यूक्लियस होता है ये परिधि की ओर शिफ्ट हो जाता है, तथा शेष भाग ये साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है
जिसमें अन्य सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल उपस्थित होते हैं। क्या रचना होती है, क्या विशेषता होती है, इसे हम सिलसिलेवार देखते हैं। वास्तविक रूप से जो पोरोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये मॉडिफाइड पिनेकोसाइट कोशिकाएं हैं। पहले हमने इस पिनेकोसाइट कोशिका के बारे में देखा, तो यही पिनेकोसाइट कोशिकाएं रूपांतरित होकर के पोरोसाइट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि पिनेकोसाइट कोशिकाएं ये मॉडिफाइड पोरोसाइट कोशिकाएं हैं। इनका आकार बैरल शेप्ड होता है और इसमें एक सेंट्रल ट्यूब होती है और ये सेंट्रल ट्यूब दोनों सिरों पर खुली हुई होती है। न्यूक्लियस इनमें पेरिफेरल होता है जो इसके साइटोप्लाज्म में परिधि की ओर स्थित होता है। यह जो पोरोसाइट कोशिका है, यह इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में स्थित होता है और इस तरीके से यह इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ता है और इस अवस्था में इस पोरोसाइट कोशिका को नया नाम दिया गया है और यह नाम है प्रोसोपाइल। यह जो पोरोसाइट कोशिका है, इसके माध्यम से पानी जो इनकरेंट कैनाल में आता है, वह इसके भीतर से होकर के रेडियल कैनाल में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से ये पानी को इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाने का मार्ग उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार पानी की धारा को, पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ये इनके सिरे पर एक फ्लैप जैसी रचना होती है। वह सिकुड़ने के कारण से यह जो ओपनिंग है जिससे पानी इसके अंदर प्रवेश करता है, उसे छोटा किया जा सकता है और जब ये फैल जाती हैं तो पानी के लिए, प्रवाह के लिए समुचित स्थान मिलता है और पानी स्वाभाविक रूप से इस केनाल के अंदर से होते हुए रेडियल केनाल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से ये जो पोरोसाइट हैं, ये प्रोसोपाइल का निर्माण करते हुए इनकरेंट केनाल को रेडियल केनाल से जोड़ने का कार्य करती हैं। सेल्स ऑफ दी एंडोडर्म। एंडोडर्म ये शरीर के भीतर की सतह पर पाई जाने वाली कोशिकाओं की परत है और इसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है और इस कोशिका का नाम है कोइनोसाइट कोशिका या कोइनोसाइट सेल। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जो कोइनोसाइट सेल है, इसका आकार बीकर की तरह दिखाई दे रहा है। सामने की सतह पर, ऊपर की सतह पर ये अनेक उंगलियों जैसी उभार या रचनाएं मौजूद हैं और यह भाग कहलाता है कॉलर, जबकि मध्य भाग ये बीकर के आधार की तरफ फूला हुआ होता है और यह इसकी बॉडी कहलाती है। तो यह भाग इसका बॉडी होगा और तीसरा भाग जो रूट की तरह दिखाई देता है, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म एक्सटेंडेड होता है, भरा हुआ होता है और यह भाग कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ठीक है, और इस कोशिका के ऊपरी सिरे से, चूंकि ये ऊपरी सिरा खुला हुआ होता है, बीकर के मुंह की तरह खुला हुआ होता है और इसी भाग से एक फ्लैजिलम बाहर निकल करके स्वतंत्र हो जाता है। आइए विस्तार से हम इसकी रचना देखते हैं कि ये जो कोइनोसाइट कोशिकाएं हैं जो कि परत के रूप में स्थित होती हैं, ये रेडियल केनाल पर पाई जाती हैं। तो रेडियल केनाल का जो भीतरी सतह है, वह कोइनोसाइट कोशिकाओं के परत के द्वारा निर्मित होती है और इसलिए इस परत को कोइनोडर्म भी कहा जाता है। कोइनोसाइट कोशिकाएं ये फ्लैजिलेटेड होती हैं। हमने यहां पर फ्लैजिलम देखा है, तो प्रत्येक कोइनोसाइट कोशिका के शीर्ष से एक फ्लैजिलम बाहर निकल के स्वतंत्र हो जाता है, इसलिए कोइनोसाइट कोशिका को फ्लैजिलेटेड सेल कहते हैं और ये जो फ्लैजिला हैं, ये रेडियल केनाल में स्वतंत्र रहते हैं और ये फ्लैजिलेटेड सेल की उपस्थिति के कारण से ही रेडियल केनाल को फ्लैजिलेटेड चेंबर भी कहा जाता है। ये जो कोइनोसाइट कोशिकाएं हैं, ये ओवल अंडाकार या गोलाकार होती हैं। साथ ही साथ ये परस्पर
लूजली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और इस तरीके से इनकी जो परत है, कोइनोसाइट कोशिकाओं की जो परत है, वह मीजेनकाइम के ऊपर पाई जाती है। तो सबसे बाहर की ओर एक्टोडर्म हमने पहले देखा, ये इस तरह से स्केली सेल्स, एक्टोडर्म में पिनोकोसाइट सेल मौजूद हैं। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं ये रेडियल केनाल है, रेडियल केनाल में इस तरीके से ये कोइनोसाइट कोशिकाएं मौजूद हैं। तो ये कोइनोसाइट कोशिकाएं स्थित कहां पर होती हैं? ये मीजेनकाइम की सतह पर होती हैं। तो ये बीच का जो हिस्सा है ये मीजेनकाइम है। तो मीजेनकाइम को ये एक तरह से भीतर की सतह से कवर करती हैं, उसके ऊपर स्थित होती हैं। ये जो कोशिका है, प्रत्येक कोइनोसाइट कोशिका है, इसमें तीन भाग होते हैं। पहला भाग कॉलर, दूसरा भाग बॉडी और तीसरा भाग कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। कॉलर के बारे में हम देखें कि कॉलर वास्तविक रूप से उंगलियों के समान महीन प्रोजेक्शंस के द्वारा निर्मित होता है और ये जो प्रोजेक्शन होते हैं ये एक सर्किल में, एक चक्र के रूप में स्थित होते हैं और इन्हीं उभारों को, जो उंगलियों के समान प्रोजेक्शंस हैं, इन उभारों को माइक्रोविल्ली भी कहा जाता है और ये माइक्रोविल्ली ऊपर की ओर से स्वतंत्र होते हैं। हमें इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो कोशिका है इसके ऊपर में इस तरह से उंगलियों के समान बहुत सारे उभार होते हैं और इन उभारों को माइक्रोविल्ली कहा जाता है। और ये जो माइक्रोविल्ली हैं ये नीचे की ओर तो कोशिका से जुड़े हुए हैं लेकिन ऊपर की ओर ये स्वतंत्र होते हैं और इस तरीके से ये एक ओपनिंग को सुरक्षा देते हैं और इसी ओपनिंग से जो एक फ्लैजिलम है वो बाहर निकल करके स्वतंत्र हो जाता है। बॉडी के बारे में हम देखें, यह कोइनोसाइट कोशिका का मध्य का भाग होता है। इसका आकार ओवल शेप्ड होता है और इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में जो कोशिकांग होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। ये कोशिकांग कौन कौन से हैं इसे हम देखते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल होता है, फूड वेक्यूल, रिजर्व फूड, ब्लिफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल होता है। और इसी बेसल ग्रेन्यूल से एक लंबा धागे नुमा स्पंदनशील फ्लैजुलम भी निकल करके बाहर आता है और कोशिका के माइक्रोविली वाले हिस्से से, कॉलर वाले हिस्से से बाहर आकर के ये स्वतंत्र हो जाता है। तो ये सभी तरह के कोशिकांग यहां पर पाए जाते हैं। इस चित्र में हम इसको देख सकते हैं। ये बीच का जो हिस्सा, ये इसकी बॉडी है और इस बॉडी में आप देखिए कि ये बड़ा सा इसका न्यूक्लियस है। ये रचना न्यूक्लियस कहलाती है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी स्पष्ट होता है। इसके साथ ही साथ यह जो फ्लैजिलम है, ये फ्लैजिलम जो बाहर की ओर निकल रहा है, यह एक दानेदार रचना से निकल करके बाहर की ओर जाता है और इस रचना को बेसल ग्रेन्यूल कहा जाता है। बेसल ग्रेन्यूल के ठीक नीचे दूसरा दानेदार रचना मौजूद होती है जो न्यूक्लियस के संपर्क में होती है। यह रचना ब्लिफेरोप्लास्ट कहलाती है। ब्लिफेरोप्लास्ट तथा बेसल ग्रेन्यूल ये पतली रेशेदार रचना के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई होती हैं और इस रचना को राइजोप्लास्ट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म में जो और रचनाएं हैं वो इस तरह से हैं, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तथा रिजर्व फूड भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है या हम कहें यह भाग कोशिकांग से पूरी तरह से समृद्ध होता है। तीसरा भाग यह कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है ये कोइनोसाइट कोशिका के आधार से नीचे की ओर से प्रोजेक्शंस के रूप में होता है। ये रूट की तरह दिखाई देने वाली रचनाएं हैं। इन्हीं रचनाओं को प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस कहा जाता है। यहां ध्यान देना आवश्यक है कि ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस हैं ये प्रोसेस मीजेनकाइम में धंसे हुए होते हैं। तो ये जो कोइनोसाइट कोशिका का बॉडी का हिस्सा होगा यह कोशिका रेडियल केनाल में उभरा हुआ होगा
और इसके जो रूट होंगे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होंगे ये इनके मीजेनकाइम में धंसे हुए होते हैं और मीजेनकाइम में कम्युनिकेटेड होते हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार भोजन को ये मीजेनकाइम में भेजने का काम भी करते हैं। तो ये रचना होती है कोनोसाइट कोशिका की। आइए हम कोनोसाइट कोशिका के कार्यों के बारे में देखते हैं। ये कोनोसाइट कोशिका में जो फ्लैजिलम होते हैं, ये फ्लैजिलम जब एक साथ लयबद्ध तरीके से कंपन करते हैं, उसके कारण से शरीर के बाहर का पानी केनाल सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है। इस तरह यह जो कोइनोसाइट कोशिका है, ये वाटर करंट क्रिएट करने का कार्य करती हैं। दूसरा कार्य है न्यूट्रिशन का। जब पानी की धारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो उस पानी में जो भोजन के कण होते हैं, उन भोजन के कणों को कोइनोसाइट कोशिका का जो कॉलर का हिस्सा होता है वह चिपका लेता है, वो उसको रिसीव करता है और यह भोजन का कण धीरे धीरे इसी कोइनोसाइट कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस तरह यह कोइनोसाइट कोशिका न्यूट्रिशन का भी कार्य करती है। तीसरा कार्य फर्टिलाइजेशन का। पानी की धारा के साथ जब मेल गैमेट साइकॉन के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जिस स्थान पर फीमेल गैमेट रेडियल केनाल में उभरी हुई होती है, उस जगह की कोइनोसाइट कोशिकाएं उस मेल गैमेट को रिसीव करने का काम करती हैं। और ये मेल गैमेट जब कोइनोसाइट कोशिका के संपर्क में आते हैं, तो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद उन्हें भेज दिया जाता है, उन्हें संपर्क में ला दिया जाता है फीमेल गैमेट या ओवा के संपर्क में। इस तरह यह कोइनोसाइट सेल फर्टिलाइजेशन में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। और अंतिम कार्य है एक्सक्रीशन का। शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो कोशिकाओं के अंदर निर्मित होता है, वो सारा का सारा पदार्थ अंत में वापस इसी कोइनोसाइट कोशिका में छोड़ा जाता है। और ये कोइनोसाइट कोशिकाएं चूंकि रेडियल केनाल में लटकी हुई होती हैं, इसलिए पानी की धारा में यह उस उत्सर्जी पदार्थ को वेस्ट सब्सटेंस को रिलीज कर देती हैं, जो पानी की धारा के साथ होते हुए शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं। तो ये चार महत्वपूर्ण कार्य है जो कोइनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा संपादित किया जाता है। सेल्स ऑफ द मीजेनकाइम। एक्टोडर्म और एंडोडर्म को परस्पर एक दूसरे से पृथक करने वाला जो भाग है, उस भाग को मीजेनकाइम कहा जाता है। और मीजेनकाइम में कोशिकाएं होती तो हैं, लेकिन वो कभी भी परस्पर मिलकर के लेयर या स्तर का निर्माण नहीं करती हैं। तो सारी की सारी कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं, साथ ही साथ ये एमीबॉयड होती हैं। और एमीबॉयड कोशिका के रूप में ज्यादातर कोशिकाएं ये मीजेनकाइम में अपने कार्यों को लेकर, अपने दायित्वों को लेकर के यहां वहां घूमते भी रहती हैं। आइए हम देखें मीजेनकाइम में पाई जाने वाली कोशिकाओं के बारे में। पहली कोशिका जो मीजेनकाइम में पाई जाती है, यह कहलाती है क्रोमोसाइट। क्रोमा का मतलब होता है कलर और साइट का मतलब है कोशिका। ये ऐसी एमीबोसाइट कोशिकाएं हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कलर पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्रोमोसाइट कोशिका कहा जाता है। इन कोशिका की विशेषता क्या होती है, आप देखिए, ये पॉलीमॉर्फिक होती हैं। इनका आकार अलग-अलग दिखाई देता है, ये अपना आकार बदल भी सकती हैं। इनके जो सूडोपोडिया होते हैं, ये लोबोस टाइप के होते हैं। लोबोस का आशय ये है कि सूडोपोडिया लोब जैसा होगा इस तरह से, लेकिन वो पॉइंटेड नहीं होगा, नुकीला नहीं होगा। तो इस प्रकार लोब जैसे ब्लंट सूडोपोडिया को लोबोस टाइप सूडोपोडिया कहा जाता है। और इनके साइटोप्लाज्म में कलर पिगमेंट पाए जाते हैं और कलर पिगमेंट के प्रकार के आधार पर ही इस साइकॉन के शरीर का जो रंग होता है वह उसे मिलता है। यदि साइकॉन के साइटोप्लाज्म में जो क्रोमोसाइट कोशिकाएं हैं उसमें येलो कलर के पिगमेंट हैं, तो साइकॉन का शरीर येलो कलर का दिखाई देगा। यदि ग्रे कलर के पिगमेंट हैं, तो साइकॉन का शरीर ग्रे कलर का दिखाई देगा।
कहने का आशय यह है कि क्रोमोसाइट कोशिका के साइटोप्लाज्म में जिस रंग का कलर पिगमेंट होगा, साइकॉन के शरीर का रंग भी वैसा ही दिखाई देगा, अर्थात ये बॉडी को कलरेशन देने का कार्य करती हैं। क्रोमोसाइट कोशिका का चित्र यहां पर बना हुआ है। ये सामने का हिस्सा जो ब्लंट है, नुकीला नहीं है, ये कहलाता है सूडोपोडिया, जो लोबोस प्रकार का है। और इनके साइटोप्लाज्म में हम देख रहे हैं ये कलर पिगमेंट हैं जो शरीर को एक निश्चित रंग प्रदान करते हैं। शेष भाग साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है और इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी उपस्थित है। ये कोशिकाएं भी गमनशील होती हैं, गतिशील होती हैं। दूसरी कोशिका यह कोलेनोसाइट कहलाती है। कोलेनोसाइट का आशय यह है कलेक्ट करने वाली, कनेक्ट करने वाली कोशिकाएं। तो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये जो कोलेनोसाइट कोशिका है, यह भी एमीबॉयड सेल है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो पॉलीगोनल होता है। पॉलीगोनल माने बहुकोणीय होता है। साथ ही साथ ये कोशिकाएं, कोलेनोसाइट कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं। इनमें प्रत्येक कोण से, चूंकि ये बहुकोणीय कोशिकाएं हैं, इसलिए प्रत्येक कोण से पतले रेशेदार शाखान्वित सूडोपोडिया निकलते हैं। और ये सूडोपोडिया अपने बगल के कोलेनोसाइट कोशिका के सूडोपोडिया के साथ मिलकर के एक पूरा नेटवर्क या जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं। इस तरह ये साइकॉन के शरीर को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती हैं। चूंकि यह कोशिका है, इसलिए इसके भीतर साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विशेषताएं हमने देखी, ये कोशिका आकार में छोटी है, पॉलीगोनल है, इनसे थिन, पतली, लॉन्ग और फिलामेंटस ब्रांच्ड शाखान्वित सूडोपोडिया निकलती हैं। और ये सूडोपोडिया परस्पर अपने पास के दूसरे कोलेनोसाइट कोशिका के सूडोपोडिया के साथ मिल जाती हैं और मिल करके एक नेटवर्क का निर्माण करती हैं, एक जाल जैसी रचना का निर्माण करती हैं। और इस जाल जैसी रचना निर्माण के कारण से ही ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में कार्य करती हैं और शरीर को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। तीसरे तरह की कोशिका यह थीसोसाइट कहलाती है। थीजो का मतलब होता है फूड, कोशिका। तो ऐसी कोशिका जिसमें रिजर्व फूड होता है वो थीजोसाइट कहलाती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इसका भी सूडोपोडिया ब्लंट है, नुकीला नहीं है और सूडोपोडिया लोबोस प्रकार का होगा। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होगा और साथ ही साथ इसमें रिजर्व फूड, संरक्षित भोजन भी यहां पर मौजूद होगा। कभी भी इस थीजोसाइट कोशिका के साइटोप्लाज्म में कलर पिगमेंट नहीं पाया जाएगा। और ये जो थीजोसाइट कोशिका है, यह स्टोरेज सेल के रूप में काम करती है, भोजन को अपने अंदर रिजर्व रखने का काम करती है। ये तीसरे तरह की कोशिका हुई। चौथी कोशिका यह स्क्लेरोब्लास्ट कहलाती है। स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं स्केलेटन या कंकाल बनाने का काम करती हैं। पूर्व में भी हमने देखा कि इनका जो कंकाल होता है साइकॉन का, वह स्पिक्यूल कहलाता है। और ये जो स्पिक्यूल होती हैं, ये नीडिल के आकार की होती हैं, लेकिन इनका जो शेप है वो भी अलग अलग हो सकता है। कुछ ट्राई रेडिएट हो सकती हैं, कुछ पॉली रेडिएट हो सकती हैं, लेकिन इन कोशिकाओं का, इन स्पिक्यूल्स का जो निर्माण होता है वह स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका से ही होता है। ध्यान रखें, ये जो स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका है ये तीन प्रकार की होती हैं, लेकिन साइकॉन में केवल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे कैल्कोब्लास्ट कहा जाता है। और यही कैल्कोब्लास्ट हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से स्पिक्यूल का निर्माण करती हैं। तो यहां पर हम चित्र में देख सकते हैं ये जो कोशिका है ये कहलाती है कैल्कोब्लास्ट। इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, लेकिन कलर पिगमेंट नहीं होगा, रिजर्व फूड नहीं होगा। और इनके साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हुए ये कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल के निर्माण का कार्य करते हैं। तो ये
स्क्लेरोब्लास्ट में जो कैल्कोब्लास्ट कोशिकाएं हैं ये स्मॉल होती हैं, एमीबॉयड नेचर की होती हैं और इनके द्वारा स्पिक्यूल्स का निर्माण होता है। क्योंकि साइटॉन में केवल एक ही प्रकार की कोशिका होती है जिसको हम कैल्कोब्लास्ट कहते हैं, यही कैल्कोब्लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हुए स्पिक्यूल्स का निर्माण करती है। ध्यान दें, शेष अन्य दो प्रकार की जो स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं आप देखो, ये कोशिकाएं हैं क्रमशः सिलिकोब्लास्ट। तो ये सिलिकोब्लास्ट कोशिकाएं सिलिका पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए स्पिक्यूल का निर्माण करती हैं और ये कोशिकाएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं डेमोस्पोंजिया के जंतुओं में। दूसरा है स्पॉन्जियोब्लास्ट। स्पॉन्जियोब्लास्ट ये फाइबर के रूप में होती हैं, रेशेदार रचनाओं के रूप में होती हैं, अर्थात ये स्पॉन्जिन फाइबर का निर्माण करती हैं और स्पॉन्जियोब्लास्ट ये पाई जाती हैं केरेटोसा स्पंजेस में। और तीसरा हमने देखा कैल्कोब्लास्ट कोशिका जो साइकॉन में पाई जाती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट्स का इस्तेमाल करते हुए स्पीक्यूल का निर्माण करती है और इसीलिए साइकॉन को कैल्केरिया के अंतर्गत रखा गया है। तो ये मीजेनकाइम में पाई जाने वाली चार कोशिकाएं हैं। आइए अन्य मीजेनकाइम कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। पांचवी कोशिका जो मीजेनकाइम में पाई जाती है यह आर्कियोसाइट कहलाती है। यह भी दो शब्दों से बना हुआ है, आर्कियो, आर्कियो का मतलब है आदिम प्रकार का और साइट का मतलब है कोशिका, अर्थात ये सबसे आदिम प्रकार की सबसे प्रिमिटिव टाइप की कोशिका होती है और ये आकार में काफी बड़ी होती हैं। इनमें भी ये सूडोपोडिया होते हैं, ये ब्लंट होते हैं, लोबोस प्रकार के होते हैं तथा इनके साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके साइटोप्लाज्म में और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर हम ये देखें कि ये जो आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये एम्ब्रियोनिक सेल्स के रूप में होती हैं, इसलिए इनको प्रिमिटिव सेल कहा जाता है। ये बड़े आकार की कोशिकाएं हैं, इनके जो सूडोपोडिया होते हैं लोबोस टाइप के होते हैं, मोटे होते हैं तथा इनके इनका जो न्यूक्लियस होता है ये बड़ा होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। आर्कियोसाइट कोशिका का कार्य क्या है? आर्कियोसाइट कोशिकाएं ये मीजेनकाइम में निरंतर घूमते रहती हैं और घूमते हुए ये कई कार्यों को संपादित करती हैं। ये कार्य प्रमुख रूप से हैं, पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो भी भोजन कोइनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा मीजेनकाइम में रिलीज किया जाता है वह इन्हीं आर्कियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा रिसीव किया जाता है और उसको रिसीव करके उनका डाइजेशन भी करती हैं और डाइजेशन करके उन्हें शरीर के विभिन्न भागों पर स्थित कोशिकाओं तक पहुंचाने का भी काम करती हैं। इस तरह ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का भी काम करती हैं। इसी तरह से कोशिकाओं में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों को कोशिकाओं से एकत्रित करती हैं और एकत्रित करके शरीर से बाहर निकालने का भी काम करती हैं। इस तरह ये उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन या ट्रांसपोर्ट का भी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य देखिए गैमीट फॉर्मेशन। साइकॉन के शरीर में मेल और फीमेल गैमीट के निर्माण का जो कार्य होता है वह आर्कियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ही होता है और आर्कियोसाइट कोशिकाएं बदल कर विकसित हो जाती हैं मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में। इस तरह ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं साइकॉन में गैमिट फॉर्मेशन का भी कार्य करती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है रीजेनरेशन। री का मतलब होता है पुनः और जनरेशन का मतलब होता है जनरेट करना, निर्माण करना। तो साइकॉन के शरीर में किसी भी तरह की क्षति हो जाती है, कोई हिस्सा कटपिट जाता है तो ऐसी दशा में उस हिस्से की रिपेयरिंग करने का काम भी ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं करती हैं। साथ ही साथ यदि स्पंज का शरीर बड़े टुकड़ों में टूट कर अलग हो गया है तो वह अलग हुआ टुकड़ा भी इसी रीजनरेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक नए और संपूर्ण साइकॉन के रूप में विकसित हो जाता है और इसलिए हम कहते हैं कि साइकॉन में रीजनरेशन की अपार और विलक्षण क्षमता होती है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है
कि ये आर्कियोसाइट कोशिका किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकने की क्षमता रखती हैं। जैसे किसी स्थल पर कोइनोसाइट कोशिका समाप्त हो गई है, डैमेज हो गई है, तो वहां ये आर्कियोसाइट कोशिका जाकर के स्वयं कोइनोसाइट कोशिका के रूप में बदल करके उसका कार्य करने लगती हैं। कहीं पर यदि पिलेकोसाइट सेल डैमेज हो गई है तो यही आर्कियोसाइट सेल उस जगह पर जाकर के पिलेकोसाइट कोशिका के रूप में बदल जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि यह आर्कियोसाइट कोशिका सबसे आदिम प्रकार की कोशिका तो है, लेकिन यह असीम क्षमताओं से युक्त होती है और किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकने में सक्षम होती है। इस उत्तम क्षमता के कारण से इस आर्कियोसाइट कोशिका को टोटिपोटेंट सेल भी कहा जाता है। टोटिपोटेंट, टोटली पोटेंट सेल, पूर्ण रूप से सक्षम कोशिका, ये विशेषता होती है आर्कियोसाइट सेल की। छठवीं तरह की कोशिका यह मायोसाइट कहलाती है। मायो का आशय होता है मसल, पेशी, और साइट का मतलब है कोशिका। ये मायोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, ये पेशीय कोशिका के रूप में काम करती हैं। ये मायोसाइट कोशिका लंबी होती हैं, पतली होती हैं और फ्यूजीफॉर्म होती हैं, तरकु के आकार की होती हैं। ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, संकुचनशील होती हैं और मसल की तरह क्रियाशील होती हैं। ये मायोसाइट कोशिकाएं आस्कुलम को, जहां से शरीर का पानी अंतिम रूप से बाहर निकलता है, उसे आस्कुलम कहते हैं, तो उस आस्कुलम को और दूसरे जो अपर्चर्स होते हैं उनको घेर करके रखती है और उन छिद्रों का आकार यह नियंत्रण करती है। जैसे मान लें यह आस्कुलम का हिस्सा है, आस्कुलम एक छिद्र के रूप में है, तो इस आस्कुलम में ये मायोसाइट कोशिकाएं इस तरह से मौजूद होती हैं, इसके चारों ओर ये मौजूद होती हैं। और जब ये मायोसाइट कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, तो सिकुड़ने के कारण से आस्कुलम का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है। और जब ये कोशिकाएं रिलैक्स होती हैं, अपनी मूल अवस्था में आती हैं, तो ये आस्कुलम पुनः अपने मूल आकार पर आ जाता है। तो इस तरीके से ये मायोसाइट कोशिकाएं संकुचनशील होने के कारण से आस्कुलम और अन्य दूसरे अपर्चर्स का नियंत्रण करती हैं। इसके अलावा ये उन अपर्चर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग का भी काम करती हैं, उसे खोलने और बंद करने का भी काम करती हैं। तो इस कोशिका को हम देख रहे हैं, इसका आकार फ्यूजीफॉर्म है, बीच का हिस्सा बहुत ज्यादा बल्जी है, न्यूक्लियस है और शेष भाग साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। सातवीं तरह की कोशिका यह ग्लैंड सेल कहलाती है। साइकॉन ये आजीवन किसी एक ही स्थान पर फिक्स होता है, किसी भी ठोस आधार पर, जैसे मान लीजिए आधार है, इस आधार पर ये साइकॉन आजीवन फिक्स होता है। तो मजबूती के साथ इस स्थल पर फिक्स करने के लिए इसके बेसल पार्ट पर कुछ विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं बेसल कोशिकाओं को कहा जाता है ग्लैंड सेल। और ग्लैंड सेल का मतलब ये हुआ, चूंकि ये ग्लैंड है इसलिए किसी न किसी पदार्थ का निर्माण और सिक्रीशन करती हैं। तो ग्लैंड सेल एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती हैं और उसी पदार्थ के माध्यम से साइकॉन किसी भी सबस्टेटम पर, किसी भी आधार पर मजबूती के साथ आजीवन चिपके रहता है। तो ये जो सब्सटेंस रिलीज किया जाता है उसे हम कहते हैं एडहेसिव सब्सटेंस, और यही एडहेसिव सब्सटेंस इस साइकॉन को आजीवन किसी भी आधार पर अटैच रहने में सहायता करता है। स्पीक्यूल के बारे में हम देखें, साइकॉन में कई तरह के स्पीक्यूल पाए जाते हैं। इस स्पीक्यूल को आप देख रहे हैं, ये मोनोएक्सॉन है, ये ट्राईएक्सॉन है, ये टेट्राएक्सॉन है, ये पॉलीएक्सॉन है। इसमें एक ही अक्ष है इसलिए मोनोएक्सॉन। इसमें तीन अक्ष है इस तरीके से, तीन एक्सिस है तो ये ट्राईएक्सॉन। यहां पर टेट्रा चार एक्सिस हैं, 1, 2, 3 and 4, तो ये टेट्राएक्सॉन, और यहां पर अनेक अनेक हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए इनको पॉलीएक्सॉन स्पीक्यूल कहा जाता है। तो इन स्पीक्यूल्स का निर्माण है ये कैल्कोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा मेसेनकाइम में ही किया जाता है।
प्रश्न जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोनियोसाइट, कोनियोसाइट कोशिका की रचना और कार्य को विस्तार से समझाइए। तो उसी को दूसरे रूप में पूछता है, राइट नोट ऑन टोटिपोटेंशियल, जो आर्कियोसाइट कोशिका है ये किसी भी तरह की कोशिका में बदल सकने में सक्षम होती है और इसलिए इन्हें टोटिपोटेंशियल कहा जाता है। इस कोशिका की रचना और कार्यों के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी देनी है। राइट नोट ऑन मेसेनकाइम, मेसेनकाइम एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाने वाली रचना है जिसमें अनेक प्रकार की एमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पर देनी होगी। राइट द नेम ऑफ द सेल्स ऑफ मेसेनकाइम, मेसेनकाइम में 7 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं के नामों की जानकारी यहाँ पर देनी है। और आखिरी प्रश्न है, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन, तो साइकॉन के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस चैप्टर में जितना कुछ हमने अध्ययन किया है वो सारी सामग्री इस प्रश्न के उत्तर में सम्मिलित होगी। इस टॉपिक में जो हमने पाठ्य सामग्री ली है वो इन किताबों से, इन माध्यमों से ली गई है।